मालदीव ट्रिप में फ्रेंड्स के साथ। हेलो, हाय, अपने बारे में कुछ बताओ आप। मैं क्या बताऊं। मेरा नाम काव्या है, मैं आगरा से आई हूँ और यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बट बहुत अच्छी जगह है, पर एक ही बार आना चाहिए। स्ट्रेस बहुत है यहाँ सी का। आपको ज्यादा है, हमें यहाँ पे स्ट्रेस तो होना नहीं चाहिए। नहीं, जब हम लोग आए थे तब बहुत स्ट्रेस था, अब तो ठीक है। अब तो हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं और हम अभी हमारी ये नई नई फ्रेंड भी बनी है। मैं इनसे दोस्ती हो गई है तो और भी मजा आ रहा है। तो आप रात को कैसे सोएंगी? जैसे सब सोते हैं। अभी आई हैं। आप अपना इंट्रो। क्या दूं इंट्रो? माय सेल्फ विजेता जोशी, इंटीरियर डिजाइनर फ्रॉम आगरा। एंड आपको बहुत कैसा एंजॉय लगा? कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। रूम बहुत अच्छा लग रहा है हमें, रूम बहुत अच्छा लग रहा है, रूम बहुत अच्छा है। ये सी का इतना ब्यूटीफुल सीन्स वगैरह है, तो क्या आपको ये अच्छे नहीं लग रहे? सीन तो है, अपनी जगह पे ये भी है, जहाँ हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। अब ये मैडम कह रही है कि मुझे स्ट्रेस है, ये जो आने का स्ट्रेस बहुत था, जब हम लोग आए थे तब बहुत स्ट्रेस था, लेकिन यहाँ पर आके रिलैक्स है। हम यही छोड़ के जाएंगे, यही छोड़ के जाएंगे मालदीव्स में ही। अब आप बताइए। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर। नहीं, होम मेकर। डोंट कॉल हाउसवाइफ। हाउसवाइफ क्या होता है? होम मेकर। आप एक घर को बनाती हैं और एक होम मेकर है। होम क्वीन। सही बात है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नए नए दोस्त मिले तो मैं ये भी बताओ, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे दोस्त, हमारी तारीफ करो कुछ। मैंने आपका नाम नहीं पूछा यार। ये देखो, ये मैंने आप है भारती, आप है काव्या, आप है विजेता और मैं हूँ रेखा। चलो अभी याद रहेगा। को देखा मैंने, हिमा को देखा। लोग बोलते मेरे वाले रेखा रेखा और रेखा, जब से तुझे देखा तो आप नया गाना बोल रही हैं। बस मैं हमेशा डिफरेंट ही बताती हूँ सब। और आप? मैं तुसी को रेंदो। मैं मम्मी ने आपके ब्लॉग में बहुत बार आ चुका, इसलिए ठीक है, हो गया। आप अपने बारे में बताओ थोड़ा, क्योंकि आप बहुत कम बोलती हैं। समझ में नहीं आएगा, क्या बताऊँ, बताइए आप। क्या समझ नहीं आएगा? क्या समझ नहीं आएगा? हमें सब कुछ समझ आता है। भारती सिंह है ना वो? हाँ, वो सिंगर। आप राठौर? भारती सिंह ही लिखती थी शादी हुई ना, तब फिर जब से भारती सिंह को इन्होंने देखा होगा तब सोचा होगा मैं राठौर लगा लूँ। भारती सिंह को सिंह हटा दिया और राठौर लगा दिया, खाते पीते अलग लगे, क्योंकि आपकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। आप भारती सिंह से क्यों कंपैरिजन करेंगी? अभी इसलिए आपने राठौर लगाया होगा। बिल्कुल। हमारे बिहाफ में हम बोले जा रहे हैं, तुम चुप बैठी हो। हम तीन लोगों से मिले हैं, हम तीनों का नेचर मैं बताऊंगी कि कैसा 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 है। सबसे पहले ये काव्या जी है, ये जॉली नेचर की है, ये सबसे बात करना पसंद करती है, न्यू फ्रेंड्स बनाना इनको अच्छा लगता है। सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला ना। अब भारती सिंह ये, हाँ कि इनको अच्छा लगता है बात करना, बट ये पहला स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेती, ये शाई नेचर की हैं थोड़ी। ये घर में तो लड़ती होंगी जरूर। नहीं लड़ती मैं किसी से। ये मैं मजाक किया था इनसे। इनको हर फीलिंग्स निकल आएंगी जाकर। और ये मिक्सअप है, ये भी ऐसा स्टेप नहीं उठाती जब तक इनसे कोई बात ना करे, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी ईगो है। नहीं लगता यार मेरे। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको हंसाना था ना। ऐसा ही बोलना चाह रही थी मैं, जब आपके बारे में कुछ अलग से बोलूंगी तभी आप निकलोगे। अब आप लोग मेरे बारे में बताओ कुछ। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, जितना बोला
सारी दुनिया ही नहीं जानती है। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, रेखा। मीट माय न्यू फ्रेंड रेखा। रेखा शर्मा, रेखा शर्मा, माय सेल्फ विजेता शर्मा है ना। अब जोशी हो गई तो क्या बंदा यार, ना पंजाबी है के। अच्छा नहीं, मैं पंजाबी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मारवाड़ी। अरे सब हिंदू ही हैं। अरे पंजाबी में हिंदुस्तानी होते हैं ये, वो बात कर रही हूँ, हिंदुस्तानी वाली बात जो नहीं, कई लोग यार टिपिकल वो होते हैं। अरे हिंदू, हम हिंदू में है, जैसे ये पंजाबियों में शर्मा है ना, हम मारवाड़ी में शर्मा है। और तो पंडित जो होते हैं पंडित थोड़ी ना, पंडित। लेकिन मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है ये अपने आप में, इनको किसी की जरूरत नहीं है, है ना। दोनों माँ बेटी आ गई हैं, अपने वो अपने पिताजी को छोड़ाई है, ये अपने पतिदेव को छोड़ाई है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, दीन दुनिया से बेखबर एकदम, अपना एंजॉय कर रही है दोनों जने, और हम इनकी लाइफ में एंट्री कर गए हैं, ये अंदर घुस गए इनकी लाइफ में, है ना। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आप कुछ बताएंगे? हाँ जी जरूर, हम बहुत बता सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि मेरी बेटी इतने टाइम से बोल रही थी कि मम्मी अपन दोनों चलते हैं, पर मैंने हमेशा उसको मना किया, लेकिन इनको रेखा जी को देख के और इसको देख के मुझे लगा कि अब हमें भी जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं और मेरी बेटी ऐसे ही जाएंगे पक्का, पर पहले इंडिया में, फॉरेन जाने की हिम्मत नहीं है अकेले, इसलिए पहले हम इंडिया में ही घूमेंगे, इंडिया में कदम रखेंगे, फिर आगे का सोचेंगे। इंडिया में ही कदम रखेंगे, रस्म रिवाज होते हैं और रस्म, ट्रेडिशन बोलूंगी। अब आप ये हमारा इंट्रोडक्शन ब्लॉग था। ओके बाय।